कमीने फ्रेंड्स के गणेश आगमन होने जा रहा है, गणपति आएंगे, ये पूरा स्टेज है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी थोड़ा सा बनी। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मजे में हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ। खुश रहो, जय श्री राम। बजे सुबह के 9 और मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल रुकी थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ और मम्मी को भेजता हूँ, और मैं वहाँ पे डॉक्टर से बातचीत करके फिर उसके बाद निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए, क्योंकि अब बैक टू वर्क होना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए। पापा मेरे को ICU में थे ना, तब भी मेरे को पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, तू वीडियो बना रहा है? मैं बोल रहा कि नहीं, अभी 2 दिन नहीं डाल रहा। तो बना, उसमें क्या हो गया? वीडियो बना। इन लोग को बहुत बड़ी है। मम्मी भी पूछती थी कि वीडियो बना रहा है कि नहीं, तो मैं बोलता था नहीं अभी नहीं बना रहा है। तो बोलते थे कि बनाओ वीडियो बनाओ। तो ये चीज़ है भाई मेरे घर। आज क्लाइमेट देखो कैसा हो रखा है, मतलब भयंकर बारिश गिरने वाली ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अभी मैंने तैयारियाँ कल मैं शाम को थोड़ी देर के लिए गया और शूट की फटाफट तैयारी करी, क्योंकि मेरा बहुत हैट्रिक होने वाला है अभी शेड्यूल। आपको कल ही बताया मैंने, KF का शूट है, KP का शूट है, एक प्रमोशन मूवी शूट है, प्लस मेरा तो रहता ही है वो भी है, प्लस रील्स कितने टाइम से डालेंगे इंस्टा पे वो है, सब चीज़ है, लेकिन कर लेंगे। मेन हेल्थ है पापा की, तो वो अभी खतरे से बाहर है, तो वो उससे माइंड मेरा रिलीफ रह रहा है, नहीं तो वो बहुत टफ हो जाता। और एक बात शेयर करूँ तो ये सब चीज़ें होती तब हमको भगवान बहुत ज़्यादा याद है। मैं तो पहले से इन्वॉल्व हूँ भगवान में, मैं मानता हूँ भगवान में बहुत ज़्यादा, और कुछ भी होता है तो मैं तुरंत याद भी करता हूँ पहले से। तो ऐसी चीज़ों में तो और ज़्यादा, जिसको जो याद नहीं करते वो भी याद करने लगते हैं। तो मैं कृष्ण भक्ति में थोड़ा अभी घुस रहा हूँ, मतलब घुसा हूँ अभी, 10% भी नहीं बोल सकते ऐसा, और भूमि की वजह से आपको बताइए, क्योंकि वो बहुत बड़ी भक्त है, उसकी वजह से मैं भी कृष्ण भक्ति में जुड़ गया हूँ। तो मैं उसके बाद से, एक बार वृंदावन गया ना, उसके बाद से मेरे दिमाग में बस कृष्ण कृष्ण ही चलता रहता है और कुछ भी नहीं। वृंदावन जाने के बाद ऐसा जादू है वृंदावन में, वृंदावन आप जाओगे तो उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको कृष्ण से प्यार हो जाएगा, मतलब पूरा दिन वही चलेगा, और वो उनकी रिंगटोन रख दोगे, उनके गाने सुनने लगोगे, ऐसा होगा आपके साथ। तो वो हो गया मेरे साथ, और उसके बाद मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत एक्सप्लोर किया, और मेरे फीड में ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना तो उनके ही वीडियो आते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया है अब उनको। तो उन्होंने एक मंत्र बोला था कि हमारे कृष्ण क्या है, खराब से खराब भी, एकदम भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी आ जाए तो एक मंत्र, केवल एक मंत्र का जाप करना, और वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मैंने इतना जाप किया है ना माकसम, और इसका जादू मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब जब लास्ट दिन जब ICU में से निकालने का बोलने वाला था ना, उसके पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या होगा, अभी इतना 4 दिन हो गए, अभी भी ICU में रखने का बोलेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर से मिलने जाने ही वाला था उसके पहले के थॉट से। तो उससे पहले मैंने बहुत जाप किया कि बस, और बोला कृष्ण भगवान को कि ICU में से निकालो बस, कुछ भी हो जाए। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को अंदर मिला, 4th डे था, आज भी बोलते ना ICU में ही रखना है, तो मेरा थोड़ा और मन कच्चा हो जाता, कुछ भी हो जाता। तो अंदर जैसे ही घुसा, मनोज सर डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला भिखू भाई एकदम अच्छे हैं, 1 घंटे में उनको शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, निकल गया बाहर भाई। देख लिया ये मंत्र का पावर, मैंने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया है मैंने, और इतना अच्छा लगा था वो तो मैंने आपको ब्लॉग में बताया। तो ये एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे, और भी 2-3 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो ये हॉस्पिटल वाले सिनारियों में मैंने सीखी, तो मैं आपको शेयर करूंगा धीरे धीरे। सो दवाई लेनी थी, दवाई मैंने ले ली, रोज़ की इतनी दवाई लेनी पड़ती है, बहुत। मम्मी को छोड़ दिया है घर और जा रहे ऑफिस, अभी मम्मी थोड़ी देर में फिर से आ जाएगी ऑफिस, क्योंकि मेरा थोड़ा काम हो जाए ना अभी, इसलिए मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि गणपति पे शूट करना है और गणपति से पहले आना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी पापा को अब एकदम अच्छा है, अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर सकते इसलिए, क्योंकि नर्स वगैरह सब साथ में ही होते, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाया अंदर। मैं तो बहुत दिन बाद ही आया, लेकिन विरल भी बहुत दिन बाद है। कैसा लग रहा है भाई ऑफिस? बढ़िया है ना? चोखा लग रहा है। अच्छा है, काम वाली बैठ नहीं सकते, देखो
इधर कुछ तो बन रहा है। कमीने फ्रेंड्स के गणेश आगमन होने जा रहा है, बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है नया। ये यहाँ पे स्टेज बन रहा है, इतने बड़े गणपति आएंगे तो। और ये इसके ऊपर गणपति आएंगे, ये पूरा स्टेज है। ये ज्यादा पब्लिक के लिए नहीं, जितने इसमें समा पाए उतना। यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक और वहाँ पे VIP एंट्री रहेगा, ठीक है। और वो हाथी वो सब मंगवाया कहाँ पे रखे? हाथी के लिए अलग ग्राउंड है। अरे वो पूरा ग्रीन ग्रास में, हाँ उधर है। ये जो लाइन है ना उसमें पानी रहेगा मछली, वो थीम ऐसा रखा है। अच्छा, वो मेरे को भी नहीं पता है एक्चुअली, मैं ये सब हैंड ओवर किया है इन लोग को, बहुत जोरों जोरों से। खाना लाने का नहीं, वो चलेगा देखो खाने का। वो उसने हाथी इमेजिन कर लिया कि गणपति रहेंगे, उसके आजू बाजू दो हाथी रहेंगे, ऐसा ओरिजिनल ऐसा लगा कि ध्रुव जा रहा है, ऐसा ही लगा। ध्रुव ही जा रहा है, ऐसा ही लगा। सेम गाड़ी भी वही, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी थी। हाथी क्यों रखना पता है? वो प्रसाद देंगे उस ऊंट से। हाँ? भाई बहुत नेक्स्ट लेवल कार्यक्रम है इस बार, सभी को आना है। हम नहीं मिलेंगे, वो गंगा जल ऐसे डालेंगे। हम नहीं होंगे इधर, लेकिन आप सभी को आना है, ठीक है। हम नहीं होंगे और गणपति भी नहीं होंगे। हाँ भाई, ये सब फेंकम फेंकता। गणपति की अपडेट दे देते हैं आपको। गणपति इस बार नहीं आने वाले, गणेश गणपति घर पे आएंगे, लेकिन इस बार हम जो हर साल करते हैं ना वैसा वाला नहीं करने वाले। ये एक अपडेट है, क्योंकि एक गैप लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेबल करनी बाकी है, तो वो जाने के बाद एक बार अच्छे से करेंगे सब चीज़ें। तो इस बार कमी है फ्रेंड्स का, गणेश आगमन नहीं होने वाला है, पक्की बात है। आओ मेरा पीसी, सुकून मिला भाई पीसी को देख के। इन्हें क्या स्टेज और वो सब बनाने का नहीं, जो है पहले गाड़ी करने गाड़ी जाए, पहले तो घी ला के आओ। पूछ ले उसको, तुम अगर रखते तो थोड़ा पब्लिक के लिए सरप्राइज रखते भाई, तो अभी देने का है। दे तुम करते तो पब्लिक के लिए सरप्राइज देने का है, तो सरप्राइज इस ब्लॉग में ही बोला हमने। विरल विरल ये देखो भाई हमारी लिफ्ट, हैंडमेड लिफ्ट। तो फाइनली बहुत अरसों बरसों बाद हमें एक माइक ऑर्डर करना था, जिसके कारण लवारा का सूट अटका हुआ था। आप लोग बहुत मैसेज कर रहे थे लवारा करके भी चैनल है, तो एक्चुअली में हमने माइक ऑर्डर किया था और वो आ चुका है आज। वो भी देखेंगे कैसा है कैसा नहीं। अच्छा ही होगा भाई, अच्छा होगा, लेकिन ये बराबर यही है, खोल तो पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो अभी ये माइक टेस्ट कर ले, लेकिन बहुत राइट टाइम पे है, कल हमारा शूट है KF का, तो कल ही उद्घाटन कर देंगे ये माइक का। जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से होना चाहिए। होगा होगा भाई, हॉलीवुड का है तो होगा। हॉलीवुड नहीं, होली लैंड। हॉलीवुड का नहीं, होली लैंड। तो अच्छा ही होगा, का ही हम ऑलरेडी यूज कर रहे जो है, लेकिन उसमें एक माइक बिगड़ चुका है, लेकिन ये जो है और वो माइक दिखे ऐसा है। ये क्या है? अच्छा ये डायरेक्ट एक कैमरे का, एक फोन का डायरेक्ट अलग अलग केबल की को भाई, ये तो सबसे अच्छी चीज हो गई। बात नहीं, एक जेब में रख के खो जाएगा तो फिर कितनी भी पॉजिटिव चीज लेके आ जाओ उसमें से ध्रुव एक ना एक पॉइंट तो नेगेटिव निकाल ही देगा। छोटा है भाई ये, अच्छा कॉम्पैक्ट है। और अंदर का सिस्टम दिखा, हाँ मेरी जान, ये कुछ निकल गया। अरे वो तो माइक का है, स्पीकर का है। वाओ, तो क्या है चुंबक? अच्छी, हाँ ये देखो, ये ऐसा प्लेट है, अरे ऐसे इसको अंदर से ऐसे बहुत मैग्नेटिक है। ओह वाओ, बहुत मैग्नेटिक है। ये नहीं, वो अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ऐसा थोड़ी होगा भाई। ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही तो लगाते हैं। अच्छा हाँ, इसमें ज्यादा दिखे ना। हाँ। तो ऑडियो अंदर बराबर आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, बहुत सही है कसम से। अभी इसके चेक करते, चलो मोबाइल में ही व्लॉग में ही चेक करते। ओके तो अभी चालू हुआ है। हेलो माइक चेक, तो कैसा आवाज आ रहा है पता नहीं अभी। तू भी बोल, उधर से भी बोल तो पता चले। तूने लगाया? और ध्रुव कैसा है? मेन दिक्कत है ये माइक की के रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पे एक साइड सुनाई देते, तो अब वो दिक्कत आ रही है कि नहीं वो चेक करते। So guys, हमने माइक अटैच कर लिए है YouTube। अरे तो मारी बात तो हम पर भाई अटैच करूँ तो। हाँ तो गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर हूँ। हाँ
कैसे हो भाई? सब बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं। ऑडियो कैसा आ रहा है आप बताओ? हमको नहीं पता, लेकिन हम चेक करते हैं। कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, वैसे इसमें नुकसान भी बहुत है, क्योंकि हमारा जो पहले वाला केस था ना, उसके अंदर सभी इसके अंदर आ जाता था, लेकिन अभी थोड़ी वायर नहीं आता था ना, खाली वायर इसके अंदर रखने का। ये सारी चीजें नई नई है इसमें। इन लोग ने ये आईफोन के ये पोर्ट के लिए भी दिया है और वो सी केबल के लिए भी अलग से दिया है। अच्छी चीज है, लेकिन ये सब मेन कड़क आवाज आ रहा है वो। हाँ, आवाज बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उससे भी मेन है संभालना, जो हमसे 0% होता है। कुछ नहीं, लोगों ने बहुत से ऑप्शन दिए, तो चलेगा लंबा चलेगा। ले ये भी डाल दे, ये तो भाई खोलते ही एक हाथ तो गिर जाएगा। सी टाइप का नहीं रखना है, सी टाइप है ही नहीं किसी का। कब का इधर बैठा था ध्रुव, बार बार बोल रहा है उसको खड़ा हो। मैंने इसको बोला रुक, अभी खड़ा होगा, खाली कैमरा ऑन किया भागी है। क्यों भाई को पूरा इधर का रूम भी जोड़ देगा। सो यहाँ पे लोचा आएगा ना, बहुत मस्त भाई ने साबुदाना बनाया है। और अभी हम तीनों जा रहे हैं पापा को मिलने, वहाँ पे खाना देने। चलो चखते हैं। अच्छा है, दारू है। अच्छा है, हाँ। इसके अंदर है ना फराड़ी चिवड़ा ऊपर से डाला जाए तो वो और मजा आएगा। ये भी नाचने ना ना ना, ये बने भी हुए हैं। आलू नहीं डाला अभी, आलू भी है सब मिक्स है अंदर, आलू का मसाला बना के डाला। चलो भाई रोटी बनाओ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं पापा को मिलने और खाना देने। मम्मी का और पापा का खाना तो इधर से ही आता है, खाना सूप नाश्ता सब चीज़ें, लेकिन मम्मी के लिए देखे देने जाना पड़ता है। तो मम्मी को खाना देना है और पापा के साथ मस्त बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। और हाँ, कल आ रही है भूमि कल आ रही है, क्योंकि पापा की तबियत खराब है तो उसको बोला मैं आती हूँ, तो वो आ रही है। और पापा मम्मी को भी नहीं पता है, वो अभी बताएंगे उनको। थोड़ा बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा है, पहले से तो अच्छा है। सब लोग कमेंट कर रहे थे जल्दी ठीक हो जाए जब गुड ऑन, तो अभी अच्छा है ना? अच्छा है एकदम। दो दिन दिन में घर चले जाएंगे। इतनी बड़ी नहीं आंखें छोड़ी नहीं खावा है। अच्छा नहीं है साबुदाना? कैसा है? अच्छा है। पूरी पलट गई अभी, बोले मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं खाने वाली, पेट भर गया इसलिए जा रहा है। बहुत अभी पलटी मारा अभी, मैं भाई को जगह मजे लेने वाला था, बोलती अच्छा है वीडियो चालू हुआ। नहीं हार हुआ इनके साबुदान। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।